वेलकम स्टूडेंट्स, हिंदी कथा साहित्य में पाठ चार है आपका ऐसी होली खेलो लाल, जो कि कहानी है पंडित पांडे बेचैन शर्मा उग्र की। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये आपके जो वीडियोस में बना रही हूँ, जिनमें रेड थंबनेल लगाया हुआ है, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग लगा रही हूँ, जो NEP 2020 के अकॉर्डिंग आपका इस साल शेयर किया गया है। ये उन बच्चों के लिए है जिन लोगों ने 2022 में 2022 में एडमिशन लिया था SOL में या DO में या इग्नू में या फिर NCVAB में, उनका सिलेबस है ये। और जो पहले वाला था, जो पुराना CBCS वाला जो सिलेबस था, उसमें भी इसी नाम से हिंदी कथा साहित्य नाम से ही पेपर हुआ करता था, लेकिन उसमें अलग कहानियाँ थी, उसमें उपन्यास और कहानी का भी अलग तरीके से स्वरूप दिया हुआ था। तो आप लोग ब्लू वाले थंबनेल वाले जो वीडियोज हैं उनको ना देखें। हाँ, जिन बच्चों का पहला कोई पुराना कोई पेपर छूटा हुआ है हिंदी कथा साहित्य का, जिन बच्चों ने 2022 से पहले एडमिशन लिया था, उनका किसी का अगर पेपर छूटा हुआ है तो वो लोग उस कंटेंट को देख सकते हैं, उससे उनका पेपर आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं पाठ आपका आज का ऐसी होली खेलो लाल। आपको आई होप कि सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और साथ ही बेटा, आपको कोई ऐसा वीडियो चाहिए जो आपको अवेलेबल नहीं है या आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं आपके लिए, तो उसका नाम, आपके पेपर का नाम और आपका कौन सा सेमेस्टर है, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, तो मैं आपके लिए एग्जाम से बहुत पहले बना करके शेयर करने की कोशिश करूंगी बेटा। तो चलिए हम लोग पाठ शुरू कर लेते हैं। पाठ चार है आपका ये। हमने पहले के तीन पार्ट शेयर कर लिए हैं तीन वीडियोज में अलग अलग। पार्ट एक था आपका कहानी संरचना और स्वरूप, दूसरा पार्ट था आपका उपन्यास संरचना और स्वरूप, तीसरा आपका था कहानी थी पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की, और चौथा पार्ट ये है आपका ऐसी होली खेलो लाल पांडे बेचैन शर्मा उग्र की। तो सिलेबस आप लोग अपना टैली करके ही आगे पढ़ाई कीजिए बेटे, ऐसे ही कहीं से भी ऐसे मत देखिए, है ना। पहले लेखक परिचय। हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं पंडित बेचैन शर्मा। इनका जन्म 29 दिसंबर सन 1900 को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में हुआ था। 14 वर्ष की उम्र तक घर पर ही इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद काशी सेंट्रल स्कूल से 8वीं तक की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी। इनके नाम से जुड़ा शब्द बेचन, बेचन एक रीति का प्रतीक है, क्योंकि इनके पिता की इनसे पहले की जितनी भी संतानें होती थी वो सभी के सभी पैदा होते ही मर गई थी, तो इसलिए उनको पैदा होते ही अपना न मानकर बेच दिया गया था, इसलिए इनका नाम बेचन रखा गया। स्वभाव और विचार दोनों ही स्थिति में पंडित बेचैन शर्मा उग्र हुआ करते थे, इसीलिए इनका उपनाम उग्र हुआ, लोगों ने कहना शुरू किया, धीरे धीरे इन्होंने अपना पेन नेम उग्र बना लिया। अंधविश्वास और कर्म कांड से ये सारी जिंदगी मुक्त रहे, इनका विचार था, जो कि मनुस्मृति का पहला श्लोक है उसी को ये सारी जिंदगी मानते रहे। जन्मना जायते शूद्र, यानी कि हर व्यक्ति जन्म से शूद्र पैदा होता है। राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने काफी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, उसके कारण इन्हें कई कई बार जेल जाना पड़ा, अनेक जगह काम किया, संपादक के तौर पर काम ये करते रहे बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में, और हिंदी साहित्य और पत्रकारों को इन्होंने अपनी सेवाओं से समृद्ध किया। यही इनका परिचय है, ज़्यादा कुछ मैंने आपके लिए शेयर किया नहीं है, क्योंकि आमतौर पर परिचय जो होता है लेखक का वो पेपर में आता नहीं है, थोड़ा बहुत आता है तो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। साथ में इनके कहानी संग्रह वगैरह जो इनकी कृतियाँ होती है उन्हें ऐड कर सकते हैं। इनकी कहानी संग्रह थे चिंगारियाँ, निर्लज्जा, रेशमी, पंजाब की रानी, कला का पुरस्कार, काल कोठरी, ऐसी होली खेलो लाल वगैरह इनके कहानी संग्रह थे। इन्होंने उपन्यास भी लिखे थे बेटे, तो उपन्यासों के इनके कुछ नाम लिखे हैं हमने, चंद हसीनों के हदूद, रंग महल, दिल्ली का दयाल, शराबी, गंगाजल। इनके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे थे। इन्होंने नाटक भी काफी लिखे अपने टाइम पर, तो नाटक थे इनके महात्मा ईसा, गंगा का बेटा, आवारा, नई पीढ़ी, प्रहसन एकांकी, मतलब जो कहते हैं कि कॉमेडी वन एक्ट प्लेज होते हैं वो इन्होंने लिखे थे, लाल क्रांति के पंजे से, चार बेचारे, और साथ में कविताएं भी ये लिखा करते थे। तो इन्होंने ध्रुव चरित्र कंचनगढ़ नाम से कविता संग्रह भी लिखे थे, और इनके अलावा भी इनके बहुत सारे कविता संग्रह थे। मैंने सबका नाम इसलिए नहीं लिया है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। अब जो इनकी कहानी है ऐसी होली खेलो लाल, वो कहानी उसका मैंने आपको अलग से वीडियो बना करके शेयर की हुई है अपने ही चैनल पर, आप लोग चाहें तो उसे वहां से पूरी कहानी भी देख सकते हैं, और कथा सार में आपको इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ बेटे।
इस कहानी का टोटल सार ये है कि कहानी ठाकुर बघेल सिंह के पूर्वजों पर केंद्रित है। ठाकुर बघेल सिंह है, उनके पूर्वजों पर आधारित है ये कहानी, जो कि 400 साल पुरानी कहानी है। ये तरीके से चलती प्रेजेंट से फ्लैशबैक में जाती है कहानी। ये तो 400 साल पुराने पूर्वजों की कहानी है। इसमें ठाकुर बघेल सिंह के भारतीय समाज में मौजूद बलिदान और वीरता की परंपरा को उद्घाटित करती है ये कहानी, कि भारत में किस तरीके से लोगों ने बलिदान दिए और कितने बहादुर वो लोग थे, उन चीजों को एक तरीके से लोगों के सामने लेकर के आती है, पाठक के सामने ये कहानी लेकर के आती है और संदेश देती है कि हम हिंदुस्तानी, हम भारतवासी सिर्फ रंग गुलाल की ही नहीं, रक्त की होली खेलना भी जानते हैं और जरूरत आने पर खेल भी सकते हैं। एक दिन ठाकुर बघेल सिंह जी, जो कि एक देशभक्त थे, लेखक के घर पर आते हैं। उस वक्त लेखक सिर्फ 5 वर्ष की आयु का है, मतलब 5 साल का बच्चा है। लेखक उसे याद करके बताता है कि मेरे घर पर एक बार ठाकुर बघेल सिंह आए। लेखक भी इसको कहीं ना कहीं फ्लैशबैक में ही लिख रहा है। ठाकुर उसे राजपूती वीरता की 400 साल पुरानी कहानी सुनाते हैं। ठाकुर बघेल सिंह मेवाड़ के रहने वाले थे और जिस वक्त वो घर पर आए, उस वक्त लेखक जो था 5 साल का बच्चा था और मोहल्ले के लड़कों के साथ होली खेल रहा था। अब जब बच्चा है, होली खेल रहा है, घर पहुंचकर देखता है कि सफेद बालों वाले एक लंबे चौड़े व्यक्ति उसके पिताजी से बात कर रहे हैं। घर पर जब आया लड़का होली खेल करके, तो देखता है कि एक सफेद बालों वाले लंबे चौड़े व्यक्ति हैं, वो उसके पिताजी से बात कर रहे हैं और उन सज्जन का नाम था ठाकुर बघेल सिंह। यानी कि उनके घर पर कौन आए थे? ठाकुर बघेल सिंह। वो उनके पिताजी से बात कर रहे थे जब वो अपने घर पहुंचे। ठाकुर बघेल सिंह बालक का परिचय पूछते हैं, उसको गोद में लेते हैं, फिर कहते हैं क्या तुम कहानी सुनोगे? बच्चा कहता है हाँ हाँ मैं कहानी सुनूंगा, पर बच्चे का जो ध्यान है वो तलवार पर अटका हुआ है, उसे तलवार चाहिए उनकी, जो तलवार उन्होंने कमर में लगाई हुई है। तो ठाकुर बघेल सिंह उस तलवार की कहानी सुनाते हुए बालक को 400 साल पुरानी एक कहानी सुनाते हैं, जिस कहानी से बच्चे को पता चलता है कि, और पाठकों को पता चलता है कि 400 साल पहले मुगलों ने मेवाड़ के देवपुर को लगभग मरघट में बदल दिया था, सबको वहां पर मार डाला था। लेकिन वहां के वृद्ध सेनापति, बूढ़े सेनापति थे ठाकुर कृपाण सिंह, वहां के राजपूत युवाओं को जन्मभूमि की रक्षा करने के लिए बलिदान होने को देने को ललकार रहे थे। रात भर घूम घूम के उन्होंने वहां के युवाओं का आह्वान किया कि आओ, अब मातृभूमि पर बलिदान होने का समय आ गया है। सारी रात घूम घूम करके वो वहां गाना गा रहे थे, ऐसी होली खेलो लाल, क्योंकि होली के पहले का ही दिन था, होली के दिन ही ये युद्ध हुआ था। मेवाड़ का राजा मुगलों से संधि करके आत्मसमर्पण करने को तैयार हो गया था। परिस्थिति ऐसी बनी थी कि मेवाड़ का जो राजा था उस टाइम पर, वो मुगलों के साथ संधि करके सरेंडर करने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन जो अध्यक्ष थे, सेना अध्यक्ष थे कृपाण सिंह, और वहां का एक युवक है महा सिंह और एक युवती है पद्मा, वो लोग इस संधि और आत्मसमर्पण को पसंद नहीं करते हैं, वो इसके विरुद्ध थे, इसके खिलाफ थे। उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि हमारा राजा मुगलों के सामने संधि करके आत्मसमर्पण करने जा रहा है। महा सिंह और पद्मा दोनों में घनिष्ठ प्रेम है, दोनों एक तरह से प्रेमी प्रेमिका है, लेकिन क्योंकि अभी विवाह की बात नहीं हुई है, बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, तो लेखिका जो पद्मा है वो महा सिंह को महा भाई कहती है, महा उनका नाम है और महा भाई कहती है वो। दोनों में घनिष्ठ प्रेम है, दोनों जब भी मिलते हैं, लेकिन तब वो देवपुर की ही रक्षा की चर्चा करते हैं। पुराने टाइम में बेटा जैसे साथ साथ दोनों रह रहे हैं, दोनों का कुछ ऐसा बना है कि दोनों की शादी की जा सकती है, ऐसी उनके परिवारों में चर्चा चल रही है। मुगलों से युद्ध में पद्मा पुरुष वेश में लड़ते हुए मुगल सेना अध्यक्ष को मार गिराती है। जब उसको महासिंह कहता है कि तुम कल जौहर कर लेना, तो पद्मा सिंह कहती है नहीं, कल मैं होली खेलूंगी। तो महासिंह को समझ में नहीं आता है कि क्या कहने वाली है। तो जाकर के जब युद्ध होता है, महासिंह देखता है कि एक युवक बड़ी तेजी से लड़ रहा है पूरे युद्ध में, उसकी तारीफ करता है, तो उसे पता चलता है कि युवक नहीं बल्कि युवती पद्मा है, जो पुरुष का वेश धारण करके और वहां पर मुगल सेना के साथ युद्ध कर रही है, और वो मुगलों के सेनाध्यक्ष को मार भी डालती है। और इस तरीके से होली खेलने का प्रण वो मुगलों की जान लेकर और अपनी जान लेकर पूरा करती है। वहां पर जब उसको वो लोग घेर लेते हैं, घायल कर देते हैं, तो बुलाती है महासिंह को कि हे महासिंह, आओ अपनी तलवार से मेरी बीच मांग को वार करके रक्त सिंदूर से मेरी मांग भर दो, वरना तुम्हारी दुल्हन तो चली। तो यहाँ पर जो पुरुष है महासिंह, वो भी ऐसा ही करता है। उसके माथे पर, क्योंकि वो मरणासन्न है, बिल्कुल मृत्यु को जा रही है, मौत होने वाली है उसकी, जाके उसके माथे पर तलवार से वार करता है और एक तरीके से उसकी मांग खून से भर जाती है। इतने में मुगल सैनिक जो होते हैं महासिंह को भी घेर लेते हैं चारों तरफ से, तो महासिंह की भी वहीं पर हत्या हो जाती है, दोनों वहीं पर मर जाते हैं।
इस कहानी में विशेष बात यह है कि दोनों प्रेम में किए गए वादों को पूरा करते हैं। पहली बात तो युवती कहती है, पद्मा एक जगह पर बैठे हुए दिखाया गया है कहानी में, ब्याह तो हमारा जरूर होगा, शादी तो हमारी जरूर होगी, चाहे कैसे भी हो। तो महासिंह कहता है, कैसे होगी, कब होगी, कल तो राजा आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं, या फिर हम मर भी सकते हैं, कल युद्ध करने जा रहे हैं हम लोग तो मर भी सकते हैं। वो कहती है कैसे भी हो लेकिन ब्याह तो जरूर होगा। और ऐसे ही वो कहती है कि होली तो मैं जरूर खेलूंगी। तो वो जाकर के वहां पर उनके मुगल सैनिक है, दुश्मन के सैनिकों से उनसे होली खेलती है। तो अपने वादों को पूरा करना कहीं ना कहीं आज की पीढ़ी के लिए एक आदर्श संदेश है कि जो वादा करो उसे निभाओ। साथ ही ये भी कि देह से ऊपर व्यवहार, नैतिकता और देश आहुति है। शारीरिक प्रेम से ज्यादा आत्मिक प्रेम, नैतिकता और देश के लिए प्रेम ज्यादा बड़ा है। अपने प्रेम को जन्मभूमि की रक्षा के लिए कुर्बान कर देना इस कहानी का सबसे बड़ा पक्ष है, सबसे बड़ा उद्देश्य है। पद्मा महासिंह के जौहर करने की सलाह को भी ठुकरा देती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वो जौहर नहीं करेगी, वो मुगलों से लड़ सकती है और काफी मुगल सैनिकों को मार भी सकती है। तो इस तरह से वो मुगल सैनिकों से लड़ते हुए शहीद होती है। अब कहानी की समीक्षा हम लोग यहाँ के बाद पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि आमतौर पर आपके यहाँ पेपर में समीक्षा जैसे ही प्रश्न आते हैं तो कथ्य शिल्प है इसका, समीक्षा में करते हैं। वीरता और त्याग की भावना से भरी हुई एक रोमांचक कहानी है ऐसी होली खेलो लाल। 1000 साल पहले की 10 लिखा गया है गलती से बेटा, राजनीतिक परिदृश्य को दर्शाती है जहां मुस्लिम शासन कायम हो रहा था और स्थानीय शासन जो शासक जो थे वो दासता स्वीकार कर रहे थे। 1500 साल पहले की है ये कहानी, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है बेटे। तो हालांकि मराठे जिस टाइम पर मुगल आए थे उस टाइम की कहानी है, एग्जैक्टली ईयर्स मैं भी नहीं कह सकती, मुझे कंफर्म नहीं है। हालांकि मराठे, सिख और अनेक राजा, मुस्लिम जो विदेशी शासक आए थे उनसे निरंतर संघर्ष करते हुए देशी शासन की स्थापना करने का सपना भी देख रहे थे। जो विदेशी शासक आए थे, विदेशी जो आए थे आक्रमणकारी, उनसे मराठे भी लड़ रहे थे, सिख भी लड़ रहे थे और राजपूत शासक भी लड़ रहे थे। तो वो लोग चाहते थे कि कोई विदेशी हमारे देश पर कब्जा ना कर सके और वो लोग अपना ही शासन चाहते थे। तो लगातार जगह जगह उनका विरोध भी हो रहा था, लोग उनसे लगातार लड़ रहे थे। ऐसे में राजस्थान के राजपूत भी मुस्लिम जो विदेशी आक्रमणकारी आए थे उनसे लोहा ले रहे थे। कुछ ने तो उनको अपना लिया था, कुछ ने उनको स्वीकार कर लिया था, दासता स्वीकार कर ली थी, आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन कुछ ने सारी जिंदगी इनका विरोध करते हुए अपने सम्मान और अपनी जन्मभूमि के लिए स्वयं को अल्टीमेटली बलिदान कर दिया था। मतलब वहां पर बहुत से ऐसे थे जिन्होंने अपने जीते जी मुगल शासन को स्वीकार नहीं किया था। सैकड़ों साल पहले हुई घटनाएं आज भी ग्रामीण अंचल के लोकगीतों और लोक साहित्य में जीवित हैं। आज भी अगर आप वहां जाए तो वहां के लोग आपको वहां के लोकगीतों में, वहां के लोक साहित्य में आपको ये सैकड़ों साल पहले हुई घटनाएं जिनमें वहां के राजाओं ने बहुत बहादुरी से युद्ध किया विदेशी आक्रमणकारी से, वो सब चर्चाएं मिलती हैं आपको। राणा प्रताप के, पृथ्वीराज चौहान के, शिवाजी के, झांसी की रानी के, आपको ऐसे गीत मिलेंगे जिनमें पता चलता है कि उन लोगों ने किस तरीके से आक्रमणकारियों से जो है क्या मुकाबला किया था। हालांकि झांसी की रानी ने तो अंग्रेजों से किया था, लेकिन उनकी भी आपने सुना भी होगा कहावत, कहा जो कविता भी है, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो कहावतों में, लोकगीतों में, वहां के लोक साहित्य में आज भी खूब सुनने को मिलती है उनके बहादुरी के किस्से। तो कहानी की शुरुआत जो है, इस कहानी की शुरुआत आत्मकथात्मक शैली में और विकास अभिनयात्मक शैली में होता है। बच्चे के रूप में जो लेखक हैं पांडे अभिचंद शर्मा, वो लिखते हैं कि मैं 5 वर्ष का रहा हूंगा, होली थी, मैं होली खेलकर अपने घर गया तो घर पर एक सफेद दाढ़ी वाले भारी भरकम व्यक्तित्व वाले व्यक्ति मेरे पिताजी से बात कर रहे थे। फ्लैशबैक में चल रही है कहानी, ठाकुर बघेल सिंह है वो, और एक तरीके से फ्लैशबैक में कहानी जा रही है। वहीं वो उनकी गोद में चढ़ जाते हैं, उनकी तलवार लेना चाहते हैं, तो वो कहानी पूरी बताते हैं। इस कहानी में ठाकुर बघेल सिंह, ठाकुर कृपण सिंह, युवक महा सिंह और युवती पद्मा जैसे सशक्त पात्रों के चरित्र चित्रण से अप्रत्यक्ष शैली द्वारा कहानी के मूल संवेदना को प्रकाश में लाया जाता है। ये जो चार पात्र हैं सारे के सारे अप्रत्यक्ष पात्र हैं। लेखक कहानी बता रहा है, लेखक को भी कोई और कहानी बता रहा है, उस कहानी में भी वो पीछे से कहीं से सुनते हुए आए हैं, तो इसे अप्रत्यक्ष शैली कहा जाता है। कहानीकार खुद तटस्थ रहता है। कहानीकार ने तो कह दिया, मैं तो 5 साल का बच्चा था, है ना, तो मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे जो चीजें बताई मैं वो आगे आपको बता रहा हूँ। मतलब उन्होंने अपने आप को बिल्कुल वहां से साइड हटा लिया है, अपने आप को 5 साल का बच्चा बताते हुए कि
मैं तो उस टाइम 5 साल का बच्चा था और मेरा ध्यान तो उनकी सिर्फ तलवार पर था। मैं तो केवल उनकी तलवार जैसे किसी खिलौने की तरह से कोई बच्चा लेना चाहता है उस तरीके से उनकी गोद में मैं तलवार के लालच में था, उनकी बातें सुन रहा था। तो उन्होंने कहीं भी ये नहीं दिखाया कि मुझे उस कहानी में मजा आ रहा था या मैं कहीं कहानी से बोर हो रहा था, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। पेचन शर्मा ने अपने आप को 5 साल का बच्चा दिखा करके उन्होंने कहानी को विस्तार दिया है। और पात्रों के क्रियाकलापों से, उनके वार्तालापों से, जब आपकी जो कहानी है इसमें वो बताते हैं कि किस तरीके से जो महासिंह है और पद्मा किस तरीके से बातें करते हैं, उनकी बातों में भी प्रेम की बातें नहीं होती हैं, वो अपने राज्य को बचाने की ही बातें करते हैं। जब अकेले में भी मिलते हैं तब भी, तो उनकी बातों से, उनके क्रियाकलापों से पूरा का पूरा उनका चरित्र चित्रण करते हैं कि किस तरीके के चरित्र हैं वो, ये पढ़ने वाले को पता चलता है। साथ में कहानी भी आगे बढ़ती है। कहानी को प्रभावशील बनाने के लिए लेखक बीच बीच में कृपण सिंह द्वारा गाया गया जो गीत था, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्र प्रेम से भरा हुआ गीत, ऐसी होली खेलो लाल, ऐसी होली बार बार लिखते हैं बीच बीच में, जिससे कहानी में निरंतर वीर रस का संचार बना रहता है। और पद्मा और महासिंह में एकांत के पलों में भी जन्मभूमि के प्रति स्वाभिमान और प्राण निछावर करने की प्रबल भावना ही दिखाई देती है। एकांत में भी वो एक दूसरे के साथ प्रेम की बातें आमतौर पर नहीं करते हैं, तब भी उन्हें जो चिंता है वो सारी की सारी अपनी जन्मभूमि के लिए ही है। तो बघेल सिंह के द्वारा तलवार घुमा घुमा कर, पैंतरे बदल बदल कर नाचना और गाना, जो कि लेखक ने लिखा है कि ऐसे वो गा रहे थे, ऐसे तलवार घुमा कर नाच रहे थे, वो कहानी में नाटकीय कहलाता है। तो ये था कथ्य शिल्प। अब कथ्य है, मूल विषय है इस कहानी का राष्ट्र प्रेम और जन्मभूमि के प्रति बलिदान की भावना। इस कहानी में प्रत्येक पात्र जो भी संवाद कर रहा है उसे राष्ट्रभक्ति का संदेश ही प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा कोई भी चीज पढ़ते टाइम, सुनते टाइम कहीं भी माइंड में नहीं आती। विदेशियों के आक्रमण के दौरान देश के नागरिकों की क्या भूमिका होनी चाहिए, ये कहानी पूरी तरह से स्पष्ट करती है। और यही उन्होंने इसलिए शायद प्रासंगिक बना करके लिखा होगा कि देश को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना था। कथा वस्तु और तकनीक क्या है इस कहानी की? कहानी को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे हम सिनेमा देख रहे हों। जौहर का वर्णन जब इन्होंने किया है कहानी के अंदर, ठाकुर बघेल सिंह के मुंह से करवाया गया है कहानी में, तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे हम अपनी आंखों के आगे देख रहे हैं। आपने अगर पद्मावत देखी हुई है तो आपको बिल्कुल वही दृश्य आंखों के सामने आ जाएंगे कहानी को पढ़ते हुए। कहानी की शुरुआत आत्मकथात्मक शैली में होती है, लेकिन इसका विकास और चरम दूसरे से सुनकर होता है। यानी कि आत्मकथात्मक शैली में लेखक ने शुरू किया कि मैं 5 साल का था, उसके बाद कहानी चलती है कि ठाकुर बघेल सिंह उनको सुना रहे हैं पूरी कहानी। यानी मैं और वह का इस कहानी में सुंदर और कलात्मक संयोजन किया गया है। ऐतिहासिक स्मृति होने पर भी, क्योंकि ये ऐतिहासिक स्मृति है, याद करके बता रहे हैं ठाकुर बघेल सिंह, कृपाण सिंह, महासिंह और पद्मा की वीरता के बारे में, तो इतिहास की कहानी है, इसीलिए इसे ऐतिहासिक कहानी कहा जा सकता है। कहानी की घटनाएं, पात्रों का नामकरण, मेवाड़ का परिवेश, जौहर की घटनाएं, सभी के सभी जो चीजें हैं कहानी के ऐतिहासिक पक्ष को मजबूत बनाती हैं, कहानी को ऑथेंटिक बनाती हैं, कहानी को रियलिस्टिक बनाती हैं, है ना, संभावित बनाती हैं, संभाव्य बनाती हैं। कथा वस्तु के मूल आधार में देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम, विदेशी दासता से मुक्ति की इच्छा, जिसके कारण ये कहानी वीरस से भरी हुई लगती है, क्योंकि कहानी के मूल आधार में देशभक्ति, अपने देश के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए प्रेम है, यही चर्चा करते हैं कृपाण सिंह, महासिंह और पद्मा। और राष्ट्र के लिए प्रेम है, विदेशी दासता से मुक्ति की उनके अंदर छटपटाहट है, वो नहीं चाहते कि उनका राजा आत्मसमर्पण कर दे, मुगलों के साथ संधि कर ले। तो ये चीज इस कहानी में पूरी तरह से दिखती है। वो लोग सेना बना करके वहां पर आक्रमण करते हैं, होली के दिन लड़ते हैं। तो ये कहानी जगह जगह पर जो आप पढ़ेंगे तो आपको वीर रस से भरी हुई ही पूरी की पूरी कहानी लगेगी। थोड़ा सा श्रृंगार ऐड किया गया है, लेकिन श्रृंगार के ऊपर हर जगह वीर रस हावी रहा है। छल कपट से ऊपर उठकर राष्ट्रीय सरोकारों को देखती है ये कहानी। छल कपट नहीं है कहीं भी, कोई भी किसी के साथ धोखा नहीं कर रहा है कहानी में। आपने ये देखा होगा कहीं कोई चालाकी, कहीं कोई छल, कोई कपट किसी भी प्रसंग में आपको कहीं भी नहीं दिखता है। सब कुछ ईमानदारी से लिखा गया है, सारे के सारे पात्र पूरी तरह से ईमानदार हैं। समाज से गायब होते राष्ट्र प्रेम को देश प्रेम के माध्यम से चित्रित करने का प्रयास किया गया। समाज में राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाने का प्रयास इस कहानी के जरिए से किया गया है। अब पात्र योजना इस कहानी की क्या है? पात्र योजना और चरित्र चित्रण का किसी भी कहानी का मुख्य आधार होते हैं।
क्योंकि पात्रों के माध्यम से ही कहानी आगे बढ़ती है, और जो पात्र होते हैं वही कहीं ना कहीं जो होते हैं एक तरह से पढ़ने वाले के और सुनने वाले के साथ इमोशनली कनेक्ट होते हैं। पात्र कहानी की संवेदना और कथानक को पाठक तक पहुंचा पाते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि पात्र मनुष्य के पाठक के मन में बसे रह जाते हैं। जैसे कहानी पढ़ने के बाद पात्र याद रह जाते हैं कई बार, जैसे हामिद था, और जैसे कि उस टाइम पर हमने जब कहानी स्वरूप और संरचना वाला पाठ पढ़ा था तब ये बात कही थी कि एक अच्छा कहानीकार वो है कि जिसके पात्र पढ़ने वालों के मन में बसे रह जाएं, उन्हें याद रह जाएं। गिने चुने पात्रों से कहानी विकसित होते हुए बलिदान के दृश्य में जाकर खत्म हो जाती है। गिने चुने पात्र हैं केवल बच्चा है, जो मैं शैली में कहानी लिखी गई है, लेकिन जो बच्चा है यहाँ पर पांडे बेचन शर्मा, उनका तो कहीं कोई रोल ही नहीं है। रोल है बघेल सिंह का, क्योंकि वो कहानी सुना रहे हैं। उसके अलावा तीन पात्र और हैं, कृपाण सिंह, महा सिंह और पद्मा। इनमें भी कहानी के अंदर जो बघेल सिंह है वो तो सिर्फ एक कहानी के सुनाने वाले की तरह से भूमिका में है, बाकी जो नायक नायिका है कहानी के, जो है महा सिंह नायक है और पद्मा कहानी की नायिका है। दोनों का भी विवाह नहीं हुआ है, एक दूसरे को भाई बहन कहते आए हैं बचपन से, और सिर्फ कहते ही नहीं है, संबंधों की मर्यादा को भी वो बनाए रखते हैं। हालांकि उनके घरों में शादी की बात चल रही है तो वो लोग उस शादी के लिए भी मना नहीं करते हैं, शादी भी कर लेंगे, उसके लिए भी वो तैयार हैं, क्योंकि आपस में उनका एक दूसरे के लिए प्रेम बहुत ज्यादा है और भोलापन इतना है कि वो लोग किसी भी बात पर अड़ नहीं रहे हैं कि हम एक दूसरे को भाई बहन कहते हैं तो हम शादी कैसे करेंगे, या शादी करने वाले हैं तो एक दूसरे को भाई या बहन ना कहें, ऐसा कुछ भी उनके मन में नहीं है। पद्मा कहती है कि हमारा ब्याह तो होगा ही, हमें एक दूसरे से कौन अलग कर सकता है, हम एक हैं, एक ही रहेंगे। और इस बात को वो पूरा भी करती है युद्ध स्थल में, वहां इनसे कहती है कि मेरी मांग के बीच में अपनी तलवार से तलवार मारकर रक्त सिंदूर भर दो, वरना तुम्हारी दुल्हन चली। तो महासिंह भी सुनने के बाद ऐसा ही करता है, और इस तरह से उनकी बात पूरी होती है, दोनों की एक तरीके से वहीं युद्ध स्थल में शादी हो जाती है। इसके बाद महासिंह को भी मुगल जो सैनिक है वो घेर लेते हैं, क्योंकि जो पद्मा है उसने उनके सेनाध्यक्ष को मार दिया है, उसका बदला तो वो लेंगे ही, छोड़ेंगे तो नहीं। पद्मा भी बुरी तरह से घायल है, महासिंह को भी वो मार डालते हैं, दोनों की वहीं पर एक साथ मृत्यु हो जाती है। ठाकुर बघेल सिंह का व्यक्तित्व आकर्षक है, इसी कारण आकर्षक व्यक्तित्व है, इसी कारण 5 साल का बच्चा उसे पूरी कहानी सुनने के लिए उनके पास बना रहता है। हालांकि उसके लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन उनकी तलवार है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो बच्चा उनके साथ बना रहता है और उनकी पूरी कहानी को सुनता है। साथ ही एक राष्ट्र प्रेमी ऐसी होली खेलो लाल गाते ही, जैसे ही वो गाना गाते हैं, एक राष्ट्र प्रेमी भी है ठाकुर बघेल सिंह, इसलिए जब भी वो अपनी ये जो गाते हैं गीत ऐसी होली खेलो लाल, उनका अंग अंग राष्ट्र प्रेम से भर जाता है, उनके नथुने फूल जाते हैं, वो जोश से भर जाते हैं। इसका वर्णन इस तरह से किया गया है कि कोई भी योद्धा युद्ध भूमि में जाने के लिए तैयार हो जाए। उनको उस गाने को गाते टाइम जो उनके जो बॉडी लैंग्वेज है वो ऐसी हो जाती है कि जिसे सुनने के बाद कोई भी योद्धा, कोई भी वीर व्यक्ति जिसके आसपास कहीं युद्ध हो रहा है तो युद्ध में जाने के लिए एकदम से तैयार हो जाए, ऐसा उनका वर्णन किया गया है। सेनापति ठाकुर कृपाण सिंह अत्यधिक साहस और आदर के पात्र हैं, वीरता का जीवंत उदाहरण है, आदर के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ही सबको एकजुट किया है, रात में जाग जाग कर घूम घूम कर गीत गाते हुए। साहस से उनके अंदर वृद्ध है, लेकिन तब भी उनके अंदर अभी साहस भरा हुआ है, वो नहीं चाहते कि उनकी मातृभूमि किसी विदेशी की गुलाम बने। वीरता का जीवंत उदाहरण है, क्योंकि वो वीर हैं इसीलिए किसी की परवाह ना करते हुए एक सेना तैयार कर रहे हैं। वो जो कि कृपाण सिंह है वो बघेल सिंह के दादा के परदादा थे, और बघेल सिंह के पास उन्हीं की तलवार है इस टाइम पर, जिस तलवार को लेखक लेना चाहता है वो तलवार ठाकुर कृपाण सिंह की ही है। वो सबको डांट लगाते हैं कि तुम किस तरह के राजपूत हो जो तुम एक तरह से समर्पण करना चाहते हो, तुम्हारा खून पानी तो नहीं हो गया है, तुम्हें तो युद्ध करना चाहिए, क्योंकि राजपूत तो युद्ध करने के लिए और अपने राष्ट्र की रक्षा करने के लिए ही होते हैं, उनका तो कर्तव्य ही होता है अपने देश भूमि की रक्षा करना, तुम ऐसी बात कर कैसे सकते हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है क्या, तुम्हारा खून पानी हो गया है। इस तरह की बातें करते हुए सभी को वो जोश से भरते हैं, सबको याद दिलाते हैं कि उनका कर्तव्य क्या है। तो बघेल सिंह कहानी के सूत्रधार बनकर सामने आते हैं, और ठाकुर कृपाण सिंह जो है वो एक तरीके से कहानी में सभी के लिए एक तरह से प्रोत्साहक, मोटिवेटर के रूप में, इन्फ्लुएंसर के रूप में आते हैं, और महानायक नायिका जो है महासिंह और पद्मा, वो पूरी सेना के एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि किस तरीके से उनकी सेना लड़ी वहां पर मुगलों के खिलाफ, और इस तरीके से कहानी का विकास होता है। आगे भाषा की कहानी ही का भाषा ही जो होती है वो कहानी को मूर्त बनाती है। अगर भाषा आसान नहीं होगी तो हमारे लिए किसी भी कहानी को समझना
बहुत मुश्किल हो जाता है। कहानी के मांग है उसी के अनुरूप भाषा शैली है। इस कहानी की भाषा शैली जगह जगह के हिसाब से बदलती है। जब बकील सिंह छोटे बच्चे से बात करते हैं तो उनकी भाषा अलग होती है, लेकिन जब वो कृपाण सिंह की बात करते हैं तो कृपाण सिंह के डायलॉग्स उन्हीं की भाषा में बोलते हैं एक तरीके से, और जब महा सिंह और पद्मा के डायलॉग्स आते हैं तो उनकी भाषा उसी तरीके की है जिस तरीके से कोई प्रेमी प्रेमिका आपस में बात करते हैं। तो भाषा उनकी पात्रों के हिसाब से बदल रही है। वीरता, साहस, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत भाषा शैली का निर्माण, जिससे कहानी में इस प्रकार का माहौल चित्रण किया जा सके। भाषा भी जो है वो भी वीरता और साहस से भरी हुई है, राष्ट्रीय भावना से भरी हुई भाषा है, ताकि इस तरह का माहौल कहानी में बनाया जा सके। कहानीकार पांडेय बेचन शर्मा मध्यकालीन राजपूती खूनी संग्राम की कहानी कहते हुए भी आधुनिक खड़ी बोली को अपनाते हैं, जबकि कई लेखक संस्कृत भाषा की गिरफ्त में आ जाते हैं। मध्यकालीन घटना की बात कर रहे हैं पांडेय बेचन शर्मा, लेकिन कर रहे हैं खड़ी बोली में, इसीलिए आज के पाठकों को ये कहानी पुरानी नहीं लगती। सबको लगता है कि कहानी आज ही लिखी गई है। तो खड़ी बोली में लिखते हुए भी वो पूरी की पूरी जो घटना है ऐतिहासिक पूरी तरह से लोगों के सामने लाने में सफल रहे हैं। कहानी की पृष्ठभूमि मध्यकालीन है, मध्यकालीन भारत की बात हो रही है जब विदेशी आक्रमण हो रहे थे, लेकिन कहानीकार आधुनिक हिंदी का चयन करता है और परिमार्जित हिंदी का ये स्वरूप हमारे सामने आता है। परिमार्जित हिंदी इसे कहा जाता है, खड़ी बोली को। उग्र की कहानियों की भाषा हमेशा से ही सरल, अलंकृत, संस्कृतनिष्ठ और व्यावहारिक रही है, और साथ में इनकी भाषा में उर्दू के कुछ शब्द भी शामिल रहते हैं, यानी कि इनकी भाषा अलंकृत होती है, अलंकार होते हैं इनकी भाषा में, संस्कृत निष्ठ भाषा होती है, यानी कि इनकी भाषा में तत्सम शब्द होते हैं, संस्कृत शब्द होते हैं, भाषा इनकी व्यावहारिक होती है, आम बोलचाल की भाषा होती है जिसमें थोड़े से उर्दू के शब्द भी आ जाते हैं। आगे बात करेंगे कहानी के देशकाल वातावरण की। देशकाल और वातावरण इस कहानी का मध्यकालीन है। मध्यकाल बेटे लगभग 1200 से लेकर के और 1750 के आसपास तक माना जाता है। तो वो दौर ऐसा रहा होगा कि जब इनके देश पर मेवाड़ पर आक्रमण हो रही होंगे, ऐसे बीच की कहीं की ये घटना होगी ऐसा कहा जाता है। हालांकि लेखक कह रहे हैं कि 400 साल पुरानी घटना है, यानी कि अगर 1900 के आसपास भी कहानी लिखी गई है तो 1500 के आसपास की ये कहानी है। पात्रों के हाव भाव, बोली और शब्द विन्यास मध्यकालीन राजपूती वीरता के चित्रण को प्रस्तुत करते हैं। तो कितने वीर हुआ करते थे, महासिंह और पद्मा भी राजपूत हैं दोनों के दोनों, और कहानी को स्वाभाविकता और सजीवता का आभास देते हैं। ये कहानी नेचुरल है, उस वक्त लोग आपस में क्या चर्चा करते होंगे वो एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं दोनों के दोनों चरित्र। इन्हीं सब कारणों से कहानी रोचक और प्रभावपूर्ण बनती है। किले का वर्णन, प्रकृति का वर्णन, सुबह शाम का समय बताना, रात का समय बताना, देशकाल की सजीवता को साथ के साथ मजबूत करते हैं। स्पेशल अलग से नहीं बताया गया है। बुकनी, अंगरखा, रियायत, रियासत, सलाम, वसुंधरा, जौहर, मुंड, विभत्स, ऐसे शब्दों का कहानी में इस्तेमाल किया गया है जो कि मध्यकालीन वातावरण को यथार्थ रूप दे देते हैं। देख के लगता है कि यहाँ कहानी जो है वो मध्यकाल में ही चल रही है। कहानी पढ़ते पढ़ते ऐसा लगने लग जाता है कि जैसे हम उसे अपनी आंखों से देख रहे हैं। निष्कर्ष है, धर्मांधता, सामाजिक अनैतिकता वगैरह का विरोध करती है ये कहानी। बीच में ऐसे प्रसंग आए हैं, विदेशी शासन के दमन चक्र को देखकर देश के युवक युवतियों को समाज और राष्ट्र के स्वाभिमान और रक्षा के लिए सर्वस्व समर्पण की प्रेरणा देती हुई कहानी है ये, कि आपसी प्रेम, व्यक्तिगत प्रेम के ऊपर हमेशा ही राष्ट्र प्रेम भारी रहेगा। यही चीज हमने पुरस्कार कहानी में पढ़ी थी और यही चीज यहाँ पर इस कहानी में भी, ऐसी होली खेलो लाल में भी निकल करके आई है। इस कहानी से आपके इस पाठ से जो प्रश्न बन सकते हैं बेटा, एक तो समीक्षा वाला प्रश्न ही बनता है, ऐसी होली खेलो लाल कहानी की पात्र योजना पर प्रकाश डाली। पात्र इसमें आपके जो बने, ठाकुर बघेल सिंह, कृपाण सिंह, महा सिंह और पद्मा, चार ही चरित्र बन रहे हैं। इनका आप चरित्र चित्रण कर देंगे, किस तरह के थे ये चारों के चारों। या फिर दूसरा प्रश्न आपका बनता है, कहानी में मौजूद राष्ट्रीय संदेश की विवेचना, क्या राष्ट्रीय संदेश है इसमें वो बता सकते हैं। देखिए चरित्र चित्रण ही मैंने यहाँ पर एक फिर से दे दिया, पात्र योजना ही आ गई, चरित्र चित्रण। और ऐसी होली खेलो लाल एक उदात्त प्रेम कहानी है, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं विस्तार से विवेचन कीजिए। एक प्रेम कहानी है, लेकिन ऐसी प्रेम कहानी है, ऐसे प्रेमी है दोनों के दोनों जिनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है,
राष्ट्र के लिए वो अपने प्रेम में भी अपने प्रेम को भी निभाते हैं लेकिन राष्ट्र प्रेम को भी निभाते हैं, दोनों एक साथ ही मरते हैं इस कहानी में। तो ये था आपका पाठ चार, ऐसी होली खेलो लाल, पूरा हो गया है। और इसके बाद अगला पांच पार्ट भी हम पांचवा पार्ट भी जल्दी शेयर करेंगे। चैनल बेटे सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका पूरा सिलेबस आपको यहीं के यहीं मिलेगा। मेरे पास पीडीएफ पूरी तैयार है, सारे के सारे वीडियोस बनाने के बाद मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी। तो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत सब शुभकामनाएं। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेटा। हैव अ नाइस डे।